अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसा सवाल जो कि बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स के जहनों में रहता है और वो उस सवाल का जवाब चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास बड़ा जबरदस्त किस्म का नॉलेज है, बहुत सारी बातें उनको क्लियर होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके माइंड में थोड़ा सा सस्पेंस है या उन्हें मजीद क्लियर करना है। सवाल ये है कि अक्सर वालिदैन ये पूछना चाह रहे होते हैं कि उनका बच्चा कब नॉर्मल बच्चों की तरह होगा या फिर क्या सारी जिंदगी ये ऐसा ही रहेगा। तो इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगी कि पहले तो आप ऑटिस्टिक बच्चे को मुखातिब कर रहे होते हैं तो बाकी बच्चों के लिए नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। आप जब भी ऑटिज़म के बच्चे की बात कर रहे होते हैं या उसको मुखातिब कर रहे होते हैं तो बाकी बच्चों के लिए आपने न्यूरोटिपिकल का वर्ड यूज़ करना है, नॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना। जब आप ऑटिज़म के बच्चे को मुखातिब करते हुए बाकी बच्चों के लिए नॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मल का लफ्ज़ ऑटिज़म के बच्चों को एबनॉर्मल शो करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हम असल सवाल के जवाब की तरफ आते हैं, वो ये है कि क्यों आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे को टिपिकल बच्चा बनाने के चक्करों में हैं? आपका ऑटिस्टिक बच्चा अपने आप में ही एक मुकम्मल इंसान है, बस वो टिपिकल बच्चों से मुख्तलिफ है। उसके सोचने का अंदाज टिपिकल बच्चों से मुख्तलिफ है। हैरत तो ये है कि दुनिया को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो कि डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जिनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है। सिमिलैरिटीज कभी भी किसी इंसान को आगे नहीं लेकर जाती। एक तरह के इंसान हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, तो उन सब का लेवल एक ही रहता है। इन एक ही जैसे इंसानों में आगे वही जाता है, पीक तक वही जाता है जो कि डिफरेंट तरीके से सोचता है। ऑटिज्म चैलेंजिंग जरूर है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑटिस्टिक ब्रेन्स के साथ ही ग्रेट हाइट्स को अचीव किया, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, सर आइजक न्यूटन, निकोला टेस्ला, एलोन मस्क। ऐसे और भी बहुत से नाम हैं जो बुलंदियों तक गए। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये लोग तो कामयाब हुए, पता नहीं हमारे बच्चे कामयाब होंगे कि नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इन्हें अपने ऑटिस्टिक बच्चे के पोटेंशियल का इल्म ही नहीं होता। इन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनका बच्चा किस वे में इंटेलिजेंट है, उनके बच्चे के टैलेंट्स कौन से हैं, उसके सीखने और सोचने का अंदाज कैसा है, फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन उनके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा जहां वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप इन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मुस्तकबिल में सक्सेसफुल लाइफ गुजारे, तो आप रेगुलर हमारी वीडियोस वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो कंटेंट मिलेगा जो हकीकत में आपकी और आपके ऑटिस्टिक बच्चों की जिंदगी बदल देगा।